तो अभी गाला कॉइन की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 49 सेंट से ऊपर चल रही है। 47 सेंट वाला एरिया यहाँ पर इसने टच किया था आज के डेट में। इसके प्राइस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर इसको एक सपोर्ट एरिया इसने मेंटेन करके रखा है, कौन से एरिया से जहाँ तक ये जा सकता है आने वाले दिनों में, $1 तक ये जा सकता है, कितने टाइम में वहाँ तक ये जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। कौन से आपके लिए एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक कोइन D6 ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कोइन D6 ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें मिल रहा है ₹100 का एथेरियम एज अ साइन अप बोनस, और आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी एथेरियम अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तभी आपको ये बोनस देखने को मिलेगा। इंडियन एक्सचेंज है, अच्छा खासा यहाँ पर ग्लोबल होने जा रहा है आने वाले दिनों में, तो इसमें इससे रिलेटेड आप चीज़ें सीख लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर अभी इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 49 सेंट से ऊपर चल रही है। डेली क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पर इसने अभी 2 दिन पहले ऑलमोस्ट 60 सेंट से ऊपर वाला एरिया टच किया था। 2 दिनों के अंदर ऑलमोस्ट इसने 46 से 62 वाला एरिया ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा का पंप लिया था इसने 2 दिनों के अंदर। अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा बहुत सारे लोगों ने, मैंने खुद ने यहाँ पर इसमें 46, 47, 48 वाले एरियाज पर एक्युमुलेट करके एंट्री ली थी, अच्छी खासी एंट्री थी। INR में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 37, 38 की प्राइस पर, अभी इसकी प्राइस 39 से ऊपर चल रही है। यहाँ पर ही आने वाले दिनों में $1 से ऊपर जाने के इसके चांसेस है। गाला गेम्स जो है ये मेटावर्स कॉइन है, अच्छी खासी इसकी हाइप थी और यहाँ पर इसने अच्छा खासा यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट भी दिया था, अच्छा खासा मुनाफा दिया था। बिटकॉइन ने 46,600 वाला 500 वाला एरिया टच किया था, उसके बाद वापस एक यहाँ पर मूवमेंट लिया है उसने। यहाँ पर आज चांसेस है कि 47, 48 वाला एरिया है, 49 वाला एरिया टच करे, वो 50,000 से ऊपर अगर डेली क्लोजिंग करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी टाइप से यहाँ पर इसको जो सपोर्ट एरिया है वो ऑलमोस्ट 45 से 46 सेंट वाला जो एरिया है वो अच्छा खासा सपोर्ट इसने मेंटेन करके रखा है, और रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो वो 60 सेंट वाला जो एरिया है, 62 सेंट वाले जो एरिया है, इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, और इसके ऊपर अगर ये डेली क्लोज करता है आने वाले दिनों में तो यहाँ पर इसको एक सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा, और फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो 75 से लेके 80 सेंट वाला जो एरिया जो वो इसको रेजिस्टेंस करने को मिलेगा, और फिर डायरेक्ट ये आपको 1 USDT टच करता हुआ देखेगा। बिटकॉइन अच्छा खासा करता है आने वाले दिनों में, 50,000 से ऊपर यहाँ पर क्लोज करता है, और आने वाले दिनों में अगर दिसंबर एंड तक 55 तक भी अगर क्लोज करता है तो यहाँ पर गाला कॉइन्स आपको 1 USDT से ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि मेटावर्स कॉइन जितने भी कॉइन्स हैं उन्होंने अच्छा खासा करेक्शन लिया बिटकॉइन के फॉर्म में, बिटकॉइन के साथ में अच्छा खासा करेक्शन लिया है। तो यहाँ पर वापस से इनकी जो एक हाइप है वो जो बनी हुई है, यहाँ पर बहुत कम लोग जो है वो मेटावर्स कॉइन के बारे में अभी तक बहुत कम लोगों ने जाना है, धीरे धीरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी चीज़ें क्रिएट हो रही है। व्हाट्सअप जो है, आपको पता हो तो व्हाट्सअप जो है वो क्रिप्टो वॉलेट की तरह काम करने वाला US वगैरह में, तो आने वाले दिनों में इसकी हाइप और भी ज़्यादा क्रिएट होगी। दूसरा फेसबुक वगैरह जिसके साथ भी यहाँ पर डील करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे जिस भी कॉइन के साथ, वो आने वाले दिनों में 8 to 10x और होने वाला है। तो यहाँ पर कम से कम सारे मेटावर्स कॉइन के अंदर आपकी एंट्री रहनी चाहिए। गाला गेम्स में आपने देखा है कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है यहाँ से, आप चाहें तो उसमें ट्रेडिंग के परस्पेक्टिव से भी आप एंट्री ले सकते हैं, और टारगेट यहाँ पर 60 USDT रख सकते हैं, आपको 20% से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। मिड टर्म के परस्पेक्टिव से आप 84 USDT जो 84 सेंट जो है यहाँ का इसका ऑल टाइम हाई वो आप परस्पेक्टिव रख सकते हैं, और उससे ऊपर 1 USDT भी रख सकते हैं आने वाले दिनों में। लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से 6 मंथ या 8 मंथ, 1 ईयर के परस्पेक्टिव से ये 5 USDT, 8 USDT, 10 USDT में आपको होता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर इसकी अच्छी खासी हाइप है। दूसरा, इसमें एंट्री आप जो है खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से ले। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आ रही है। वैसे अभी डोज कॉइन को लेकर इलोन मस्क का ट्वीट आया, डोज कॉइन ने अच्छा यहाँ पर पंप लिया, आप चाहें तो वहाँ पर भी उसमें एक अच्छी खासी एंट्री लेकर प्रॉफिट कर ले सकते थे जब ट्वीट आया उस टाइम पे। हालांकि मैं खुद उस ट्वीट को देख रहा था, लेकिन मैंने थोड़ी देर बाद ओपन किया, तब तक अच्छा खासा पंप हो गया था डोज कॉइन, तो फिर वहाँ पर एंट्री लेना सही नहीं रहता।
मेन एंट्री जो है वो जब ट्वीट आया था उसी टाइम, आप चाहते या मैं भी चाहता तो एंट्री ले सकता, लेकिन मैं उस टाइम बिजी था तो एंट्री नहीं हो पाई मेरी। लेकिन बहुत लोगों ने एंट्री ली होगी, अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा और अब सेल आउट हो रहा है उसमें। तो इस टाइप से चीज़ें जो है मार्केट में हो रही है, और उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाय और सेल करना है, प्रॉफिट ज़रूर बुक करते रहना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, प्रॉफिट बुक ज़रूर करते रहना। क्योंकि मार्केट, आपने एंट्री ली 50 सेंट पर एंट्री ली या 48 सेंट पर एंट्री ली, आप एग्जिट हुए 60 सेंट पर। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम डेली क्लोजिंग की बात करें, यहाँ पर बहुत लोगों ने एंट्री ली होगी 47, 48 या 49, 50 सेंट पर एंट्री ली होगी। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया 56, 57 या 60 वाले टारगेट पर, अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा, एग्जिट हो गए। उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन लिया मार्केट ने, अब वापस से वो चाहें तो एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्युमुलेट कर सकते हैं कि 49 वाले एरिया पर एंट्री लें, उससे थोड़ा सा नीचे आता है 47, वहाँ पर एंट्री ले, 46 पर एंट्री ले, दो तीन पार्ट में एंट्री आपको लेना है। कभी भी ऐसा नहीं मार्केट प्राइस पर अभी जो प्राइस चल रही है उसी पर आपको लेना। 49 की एक लिमिट लगा लीजिए, बाई से बाई लिमिट 48 की लगा लीजिए, 47 की लगा लीजिए, जो जैसे जैसे आपका टारगेट होता जाएगा ठीक है। नहीं हो रहा, अगर अप हो रहा तो वहाँ पर आप वापस ले लीजिए, वेट करिए, धीरे धीरे पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में आप बाय करिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। क्रिप्टो मार्केट में नए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और अभी जिस टाइप से मार्केट चल रहा है उसमें तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, किस टाइप से मार्केट यहाँ पर एक्युमुलेट होता है, किस टाइप से मैनिपुलेट होता है मार्केट, किस टाइप से फेल्स इसको मैनिपुलेट करती है, कहाँ पर सपोर्ट एरिया किस टाइप से काम करता है, कहाँ पर कब काम नहीं करता है, रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया कब काम नहीं करता है। जिस बिटकॉइन ने 42 वाला एरिया टच किया था तो वहाँ पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी काम नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें। बाकी बाय और सेल में आपको यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर आप इन इन टारगेट्स पर बाय कर सकते हैं, सेल बता दिया। बाकी खुद की रिसर्च, खुद की रिस्क के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस टाइप के वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।